हेलो पेसिंग यार, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द मनी शो। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ एक्सपोर्ट। क्यों 90% न्यूकमर फेल हो जाते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में। 90% बता रहा हूं दोस्तों। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में वर्क करती है। बहुत सारे लोग अपने आप को इस कैरियर में आगे ले जाने का ड्रीम देखते हैं, लेकिन क्यों 90% न्यूकमर फेल हो जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा सीक्रेट, किस तरह से आप अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। एक, किस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से मिलियंस बना सकते हैं, ना कि छोटा सा एक्सपोर्टर बन के रह जाएं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक अच्छा कैरियर समझते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं या फिर एक नॉर्मल बिजनेस करके रह जाते हैं। छोटे मोटे एक्सपोर्टर, यानी उन्होंने बस स्टार्ट किया है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल में टाइम निकल जाता है, जल्दी छोड़ देते हैं और 90% तो फेल होके बंद कर देते हैं। दोस्तों इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला मार्केट, रिसेशन 2020 में अगर कोई बिजनेस चलेगा ना दोस्तों, एक्सपोर्ट चलेगा। मैं आपको बता देता हूं, एक्सपोर्ट भी 13-32% डाउन जाने वाला है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ WTO। लेकिन दोस्तों अगर एक्सपोर्ट डाउन जा रहा है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं एक्सपोर्ट चलेगा, क्योंकि ये दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस है। इसको विद TFT यूज कीजिए और इसमें अपने आप को सक्सेस कीजिए। आज आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं आप हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कॉल मी ऑन 8094607111। अगेन कॉल मी ऑन 8094607111। आई विल आंसर यू आफ्टर द शो। दोस्तों हमारा एक कॉल सेंटर भी है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7375000444, 7375000444। दोस्तों मैं बड़ा सिंपल पॉइंट्स बता रहा हूं, ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जिनसे आप अपने आप को बिलेनियर बना सकते हैं सेम बिजनेस में और रैपिड ग्रोथ ले सकते हैं एज अ न्यू कमर। दोस्तों पॉइंट नंबर वन, फेक क्वेरीज एंड फ्रॉड्स। दोस्तों इस सेक्टर का पार्ट है फेक क्वेरीज, फ्रॉड्स, रूमर्स, केओस। भूलना मत, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जा रहे हैं तो ये आपका पार्ट रहेंगे जब से आप बिजनेस चालू कर रहे हैं और जब तक इसको करेंगे आपकी लाइफ में। कभी नहीं जाने वाला दोस्तों, कभी नहीं जाने वाला, मेरी बात नोट कर लेना, हमेशा फेक क्वेरीज रहेंगी। कल मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया, एक्चुअली ही इज माई क्लाइंट ऑल्सो, कि उपेश जी एक बार पता कीजिए क्या प्राइस है इथियोपिया में एमरल्ड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं वर्ल्ड वाइड काफी कंट्रीज में वर्क करता हूँ, इथियोपिया भी एक कंट्री है उनमें से। तो मैंने मेरे मैनेजर सोलोमन तस्वाओ को फोन किया, मैंने भाई ये बताओ आप ये एमरल्ड की करंट प्राइस क्या है, और ये XYZ कंपनी है, जो XYZ कंपनी है ये मेरे कस्टमर को बोल रही है, इनके पास में माल पड़ा हुआ है बहुत अच्छी रेट में है, एक बार चेक करो इनकी इनकी विजिबिलिटी क्या है, ये सही है या नहीं है, लीगलिटी क्या है इनकी। मेरे मैनेजर ने 2 घंटे बाद मुझे कॉल किया और बोला सर इनका मेमोरेंडम आर्टिकल बना हुआ है, 10 नंबर ले रखा है, बैंक अकाउंट खोल रखा है, लेकिन सर ना वैट नंबर ले रखा है, रिसेंटली रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इमीडिएटली मैंने मेरे क्लाइंट को कॉल किया, भाई पेमेंट ट्रांसफर मत करना, और वो पेमेंट ट्रांसफर करने वाला था, मैंने उसको बोला मत रुक जाओ भाई। यानी कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आते हैं, ये एक एग्जांपल है। अगर आपने किसी को इस तरह से पेमेंट डाल दिया एक ऐसी कंपनी को ऑर्डर लेने के लिए या देने के लिए, आपको लॉस हो जाएगा। फ्रॉड्स इस मार्केट में दोस्तों जबरदस्त चलते हैं, फ्रॉड पेमेंट लेने में भी चलते हैं, पेमेंट देने में भी चलते हैं, यानी कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो भी और आप एक्सपोर्ट करोगे तो भी। अब आते हैं दूसरी क्वेरी पे दोस्तों, फेक क्वेरीज क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो मैं अफ्रीका में वर्क करता हूं, मेरे पास दिन में 50 कॉल आते हैं और एज अ एक्सपोर्ट ट्रेनर हम सर्टिफाइड एक्सपोर्ट का कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो मेरे पास दिन भर कॉल आते हैं कि सर आप अफ्रीका में हो, कोई हमको गोल्ड दिलवा दीजिए, अफ्रीका का गोल्ड बड़ा फेमस है, जयपुर से बहुत सारे ज्वेलर्स जाते हैं एमराल्ड लेने के लिए। इथियोपिया जहां मैं लास्ट 10 ईयर से वर्क करता हूं, एक कंट्री है, वहां भी आप सोचिए वहां भी जयपुर वाले बहुत आते हैं और पूछते हैं सर एमराल्ड मिल जाएगा क्या, प्राइस कितनी है सर, गोल्ड मिल जाएगा क्या, प्राइस कितनी है। इसके अलावा 90% क्वेरी ऐसी आती है सर वहां माल पड़ा हुआ बड़ा सस्ता है, दुबई की रेट से 10% 15% लेस में मुझे गोल्ड मिल रहा है सर, ले लूं क्या। टोटल फेक क्वेरी है दोस्तों, टोटल फेक क्वेरी है। ऐसी 90% क्वेरीज फेक होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं 90% क्वेरीज फेक होती है जो आपको हाई मार्जिन, हाई प्रॉफिट या बहुत ही ज्यादा लेस प्राइस का लालच देंगे। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम हो गई फेक क्वेरी और फ्रॉड। दोस्तों सॉल्यूशन है इसका, सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर वन, आपको रियल कनेक्शंस बनाने होंगे ना कि रील कनेक्शंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रील।
दोस्तों रियल कनेक्शन वो होता है जो आप अपनी ही फील्ड में, अपने ही सेक्टर में कनेक्शंस बना रहे हैं, और रील वो होता है आपके काफी सारे नोन हैं, आपके काफी सारे जान पहचान वाले हैं लेकिन आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते क्वेरी को चेक करने के लिए। आज हम प्रोवाइड कराते हैं भाई, हम लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं, हम लोगों को वन ईयर तक इतना सपोर्ट देते हैं हमारे कस्टमर को, क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई फेक क्वेरी लग रही है, आप हमको कॉल कीजिए, 24/7 कॉल कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठे हैं। अब एक न्यू कमर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के बैठा होगा, या उसने कहीं ऐसी जगह से ट्रेनिंग ली होगी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो उसको रियल कनेक्शन ही बनाने हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर वन के अंदर सेकेंड पॉइंट, आपको लीगलिटी चेक करनी होगी। आप इजीली चेक कर सकते हैं लीगलिटी, जैसे कि आरओसी की वेबसाइट्स पर। इंडिया में मानो आप इंटरकनेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कंपनी फेक है कि नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी कंपनी है उतनी रिलायबल कंपनी है दोस्तों, जितनी नई कंपनी है, मैं आपको कह रहा हूं जितनी नई कंपनी है उतना रिलायबल नहीं है दोनों तरफ से। आप नए एक्सपोर्टर हो ना तो आप भी रिलायबल नहीं हो, उसी तरह से जितनी नई कंपनी है वो भी रिलायबल नहीं है जिससे आप माल ले रहे हो। तो दोस्तों अब क्या है, आपने लीगलिटी इंडिया में तो चेक कर ली, टर्की में भी चेक कर लोगे, यूएस में भी चेक कर लोगे, यूके में भी चेक कर लोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके। व्हाट अबाउट अफ्रीका, व्हाट अबाउट एशियन कंट्रीज, वियतनाम, कंबोडिया, काफी अदर कंट्रीज हैं दोस्तों। हर चीज आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते, आपको रियल कनेक्शन ही बनाने पड़ेंगे, जैसे कि हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है लोगों को रियल नॉलेज लेके। मैंने आपको भी एग्जांपल बोला, मैंने मैनेजर को फोन किया डेली, देखिए डेली मैं नाइट में 2-3 बजे सोता हूँ, क्योंकि मेरे को रात को रिपोर्ट लेनी होती है सारे मैनेजर से, मुझे कॉल करना होता है इथियोपिया, घाना, कीनिया, मलावी, मेरे को पूछना होता है क्या चल रहा है। ग्रीस भी मैं कॉल करता हूँ, 2.5 घंटे का ग्रीस का डिफरेंस है, इथियोपिया का 2.5 घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे का घाना का डिफरेंस है टाइम जोन का। हम रिपोर्ट्स लेते हैं, हम पूरे दिन हमने कितना कमाया, क्या रहा, कितनी इनकम हुई। तो दोस्तों सेम चीज मैं बता रहा हूँ, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा रियल कनेक्शंस के साथ में। मैं रिपोर्ट लेता हूँ मेरे मैनेजर से, आप रियल मार्केट की नॉलेज लोगे रियल कनेक्शन से, ना कि रियल कनेक्शन से जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों पहला सोल्यूशन रियल कनेक्शन, दूसरा सोल्यूशन लीगलिटी चेक कीजिए जहां कर सकते, अदरवाइज रियल कनेक्शन से चेक करवाइए। पॉइंट नंबर थर्ड दोस्तों, डोंट बी ग्रीडी। 90% लोग फ्रॉड में फंसते हैं, न्यू कमर बस खबर आ गई आपको गोल्ड मिल गया, 10-15% लेस और आप उसके पीछे चल दोगे, जो है उसको भी देके आ जाओगे। एक ट्रिप आप अंदाज लगाओ, आपने एक ट्रिप कहीं की लगा ली, 50,000 रुपए गए, 50,000 रुपए गए, यानी कि आप 2 महीने पीछे हो गए, क्योंकि एक फेक क्वेरी के ऊपर आपने आप वहां चले गए, उन्होंने आपको फोटोज दिखा दिए, आपने उनको बता दिया रियल गोल्ड के साथ भी खड़े हो। बहुत सारे फेक फ्रॉड्स होते हैं दोस्तों, आपको सेफ रहना है उनसे। दूसरा पॉइंट नंबर 2, वर्क विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारे बड़े एक्सपोर्टर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप न्यू कमर हो। ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट है दोस्तों, ओपन मार्केट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, और या फिर आप खड़ा नहीं करना चाहोगे क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते एज अ न्यू कमर। सीधी बात है, क्वेरी आपके पास भी आ रही है, क्वेरी किसी और के पास भी आ रही है। कस्टमर आपके पास अगर टर्की से कस्टमर प्राइस इंडिया में आपसे ले रहा है, तो वो कस्टमर अफ्रीका में अंगोला से भी ले रहा होगा। ओपन मार्केट है, अब आप वेट कर रहे हो कस्टमर का, आपको पता नहीं कस्टमर कब आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी होती है दोस्तों, आपको पता नहीं कस्टमर कब आएगा। उसके ऊपर ऑफिस, एम्प्लॉयज, स्टाफ, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा नहीं कर सकते। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा तो कर नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, तो फिर आप वर्क कैसे करोगे, यानी आप वर्क करोगे सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करते हो तो आपकी पावर लिमिटेड हो जाती है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फेक क्वेरीज, आपका कस्टमर बेस नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका दोस्तों, पहला सॉल्यूशन है आप ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। अब ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा इंडिया मार्ट पर, एक्सपोर्ट की साइट पर, ऑनलाइन व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स में आप ज्वाइन होजिए, उन अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप्स में। दूसरा रियल कनेक्शन बनाइए, नॉट रियल, रियल कनेक्शन ऑनलाइन ही नहीं दोस्तों, डिस्कस करके, बातें करके, नए ग्रुप्स बना के, लोगों को ज्वाइन करके, क्योंकि आप 2-3-4 छोटे छोटे एक्सपोर्टर मिलकर भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। हर कंपनी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ऑफिसिंग के पास है। मैं 24/7 सपोर्ट देता हूं दोस्तों, तो मेरे पास स्टैंड बाई स्टाफ है, मेरे पास टीम है, और हम केवल एक ही सेक्टर में नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग सेल्स ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट ट्रेनिंग, IBCS इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी सेटअप ट्रेनिंग। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं,
हम उनको फुल सपोर्ट देते हैं, हमारे खुद के बिजनेसेस माइनिंग एक्सप्लोरेशन के अंदर अफ्रीका में चल रहे हैं, तो हम अपनी बिजनेस अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट है, बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक प्रॉपर सेटअप रन कर पा रहे हैं, लेकिन हर ट्रेनर के पास ये चीज नहीं है और हर न्यू कमर को वो सपोर्ट फिर नहीं मिल पाती, तो कैसे मिलेगी? अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं, रियल कनेक्शंस बढ़ाएं, बहुत नेसेसरी है दोनों पॉइंट्स, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थर्ड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, पॉइंट नंबर थर्ड, वर्क विदाउट सपोर्ट, वर्क विदाउट सपोर्ट। दोस्तों आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप वर्क करते हैं तब आपको कोई सपोर्ट नहीं होता है। आपको मैं दो एग्जांपल्स इसके अंदर समझाऊंगा दोस्तों। पहला, अनप्रेडिक्टिव मार्केट है दोस्तों, एक कोई ऐसी आपके साथ प्रॉब्लम हो गई जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया, तब आप क्या करेंगे, आपकी हेल्प कौन करेगा, क्या सपोर्ट चैनल आपने बनाया है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने 2010 में एक कंटेनर दिया, मैंने एक हैदराबाद की कंपनी को कॉन्टेक्ट किया और मुझे कंटेनर इथियोपिया भेजना था। प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने मुझे बोला कि सर कंटेनर भेज दिया, फेक बिल ऑफ लेडिंग 2 times मेरे को भेज दिया। अब मैं बैठा हुआ था इथियोपिया के अंदर, आया मैं सोच रहा था कंटेनर आ रहा है, मैं बार बार चेक करवा रहा हूँ, बिल ऑफ लेडिंग चेक करवाया, बिल ऑफ ओरिजिन चेक कराया, सारी चीज चेक कराई, जब पता पड़ा भाई बिल ऑफ लेडिंग ही फेक बना के दे दिया पार्टी ने, मेरी 1 crore की प्लांट एंड मशीनरी फंसी पड़ी है 2 महीने से और मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी कंट्री में। इंडिया वापस आया, फिर मैंने उसको कॉन्टेक्ट किया तो पता पड़ा भाई मेरा कंटेनर तो किसी थर्ड पार्टी के पास गिरवी रख दिया उन्होंने, क्योंकि उनका थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट था, 1 crore का क्रेडिट उनसे ले रखा था, 25 lakh में मेरी 1 crore की मशीन गिरवी रख रखी थी वहां, उसके पास गया, वो लॉजिकली सही था, भाई मैंने 1 crore क्रेडिट दे रखे हैं, ये चेक देखिए सर, इसने मेरा अभी तक पेमेंट नहीं किया और इसने क्या कहा, ये मशीन गारंटी में पड़ी है, मेरी है, मशीन किसकी है, ओपेश सिंह की, लॉस किसका हुआ, ओपेश सिंह का। ये मैं आपको समझा, एक अनप्रेडिक्टिव माहौल हो गया, अब मेरी मदद कौन करेगा, या तो इंडियन गवर्नमेंट का इंश्योरेंस एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर रियल कनेक्शन सेम इंडस्ट्री में, कि भाई मैं नवासेवा पोर्ट के आसपास उन लोगों को कॉल करूं जो एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, मेरे जान पहचान वाले, भाई कोई सोल्यूशन बताओ, इस आदमी ने मेरा माल रख रखा है, बड़ी परेशानी हो गई है। लॉजिकल वो सही है, कोर्ट में मैं जाता हूं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे, पता नहीं कब डिसीजन होगा, मेरी मशीनरी को जंग लग जाएगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जो 3 महीने 2 महीने में ही खराब हो जाते हैं। कौन मदद करेगा आपकी इस टाइम पर, गवर्नमेंट इंश्योरेंस, रियल कनेक्शन, करेक्ट, या फिर आपकी सपोर्ट करेगा ओपेश सिंह, जैसे मैं अपने क्लाइंट की करता हूं। अगर मेरे क्लाइंट का कंटेनर साउथ अफ्रीका में भी फंसता है तो मैं जाता हूं, हेल्प करता हूं, क्योंकि मेरे लोग बोलते हैं सर हम आपको टिकट देंगे, एक्सपेंस देंगे, लेकिन हम फंस गए, हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि गलती कभी भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, कितने भी सिस्टमेटिक चलें, इंटरनेशनल बिजनेस है, कब कहां का लॉ चेंज हो जाए, कहां आप एक छोटी सी मिस्टेक कर दो, आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है। तो दोस्तों ये तो हुई सपोर्ट अनप्रेडिक्टेबल माहौल की। दूसरी सपोर्ट जो आपको बहुत नेसेसरी है, आप एक न्यू कमर हो, आपने रिसेंटली चालू किया, कौन सेलेक्ट करेगा आपको, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए जो आप एक्सपोर्ट करोगे, किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे, किस प्राइस पे आप एक्सपोर्ट करोगे, कहां से आपको चालू करना है, क्या आप जहां ट्रेनिंग ले रहे हो वो आपको कोर्सेज के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आप कैसे चालू करें, या आप बिना ट्रेनिंग के चालू कर रहे हैं, तो आपको पता है आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम करते हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स को हमने बताया है भाई कैशू बेनिन से लेना है, गोल्ड कहां से लेना है, एमरल्ड कहां से बाय करना है, या इंडिया से आपको टेक्सटाइल के प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करने हैं, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करने हैं। तो दोस्तों क्योरी क्वेश्चन वही हो गया दोबारा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, कि सपोर्ट कैसे मिलेगी। फर्स्ट सपोर्ट मिलेगी आपको, आप अपना रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे पूछें, डिस्कशन करें आपस में, एक ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो एक्टिव हों, जो आपस में डिस्कशन करते हों, कुछ यंग एनर्जेटिक लोगों का ग्रुप्स बनाइए। दूसरा दोस्तों, दूसरा सॉल्यूशन इसके अंदर, एक तो आपको सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया कि आप ग्रुप बनाइए, दूसरा सॉल्यूशन आप ऑनलाइन प्रेजेंस से सपोर्ट लीजिए। ऑनलाइन प्रेजेंस से सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, कि भाई आपको कहां काम करना है, किस प्रोडक्ट की डिमांड किधर है किधर नहीं है, भाई मैं तो मेरे क्लाइंट कस्टमर्स को बता दूंगा, आपको कौन बताने वाला है, तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, रास्ता निकालिए। हर चीज का सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं हर चीज कोई मेंटोर कोच या मैं ही सिखाऊंगा, कोई और सिखाएगा। अगर आपको करना है आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी गारंटी है, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगर आप एक बार सोच लेंगे, आपको करके दिखाना, आप करके दिखाएंगे। तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, ऑनलाइन प्रेजेंस के सर्च कीजिए, रियल कनेक्शंस के साथ में सर्च कीजिए, एक रास्ता बनाइए दोस्तों, एक सपोर्ट जनरेट कीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर फोर है स्ट्रगल अप टू गेट फर्स्ट कस्टमर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल है, पहला कस्टमर कैसे मिले। मैं वो सही बता रहा हूं दोस्तों, इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। कैलकुलेट कीजिए, आपके एक्सपेंस का ग्राफ वहीं चल रहा है आपका। अगर एक नॉर्मल बंदे के ऊपर एग्जांपल देता हूं, अगर आपका मंथली 20,000 रुपए का खर्चा है, 4 महीने तक आपका कुछ इनकम नहीं हुआ तो कितना हुआ, 80,000 आपके चले गए। आप 80,000 लॉस में हो, 4 महीने बाद अगर आपने 50,000 जनरेट किए, 80,000 भी कर लिए, लॉस में ही हो भाई। मैं हमेशा बोलता हूं रूल नंबर 30% के साथ वर्क करना, यानी कि 30% गवर्नमेंट को देते, 30% हमारे को कैसे। अगर 20,000 आपकी इनकम है, 20,000 अगर आपका एक्सपेंस है, 30,000 आपका प्रॉफिट होना चाहिए एडिशनली, यानी कि मिनिमम इनकम 50,000 रुपए महीने। अगर आपको 50,000 रुपए महीने आपको बिजनेस नहीं दे रहा, बिल्कुल मत कीजिए, जॉब कर लीजिए, हाई इनकम पे हाई पेड जॉब कीजिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे अच्छी स्किल के साथ में। मत कीजिए एक्सपोर्ट, कोई और बिजनेस में मत कीजिए दोस्तों, जहां 20,000 आपका खर्चा है, 20-30,000 आप एडिशनल नहीं बचा रहे, क्यों वर्क कर रहे हो, केवल खाने के लिए। फिर क्या डिफरेंस हो गया उन बहुत सारे लोगों में जो घर बैठे रहते हैं पूरे दिन, कहते हैं यार हम तो आराम से मजे से बैठे हैं। आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, पूरे दिन मेहनत करने के बाद क्या रिजल्ट है, जीरो। क्या बेनिफिट है उस बिजनेस का, क्या बेनिफिट है उस वर्क का, अगर आपके पास 30% मार्जिन नहीं है। तो दोस्तों सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सिंपल, कि आपको फर्स्ट कस्टमर तक बहुत जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन 30% है, वो मैं अभी इसी वीडियो में बनाऊंगा। पहला पॉइंट दोस्तों, मानो आपने ऑनलाइन एक कस्टमर सर्च भी कर लिया, उसकी प्राइस है, मानो आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज। अब क्या ओपन मार्केट है, कस्टमर कहीं और भी पूछेगा, इतने में दूसरा भाई पहुंच गया और उसने कह दी सर मैं तो 95 रुपए में ही दे दूंगा माल, 95 के अंदर ही, अप टू इवनिंग ही उसने आपकी क्वेरी क्रैक कर दी। अब होगा क्या, क्लाइंट है वो तो सोचेगा ओपन मार्केट है यार, मैं एक बार वेट कर लेता हूं 95 वाले का। अब 95 वाला कौन है, आपका ही भाई है न्यू कमर, उसके पास प्रोडक्ट तो नहीं है, उसने आपकी क्वेरी खराब कर दी। अब वो मार्केट में जाएगा पूछने यार कहीं मिल सकता है ये वाला माल सस्ते में, 80 में मिल सकता है, मैं 15 रुपए के मार्जिन पर बेच देता हूं, एक्सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, एक्सपेंस करूंगा, सारे जोड़ के वो अपने 5 रुपए का 10 रुपए का मार्जिन निकाल लेगा। पर बात समझो, उसने आपकी क्वेरी खराब कर दी, आपका जो 10,000-20,000-30,000 रुपए महीने का खर्चा चल रहा है, एक दो कस्टमर ऐसे हो गए तो आपका पूरा 3-4 महीने खराब हो जाता है। और 3 महीने खराब होने का मतलब है आने वाले 3 महीने आप जो कमा रहे हो वो बराबर हो गया, बिल्कुल निल। अब दोस्तों सॉल्यूशन क्या है इसका, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यू कमर के लिए, कि अगर ऑर्डर आएगा भी तो वो पूछेगा भाई कितने माल आपने पहले किसको दिया है, पुराना एक्सपीरियंस क्या है आपका, कहां कहां आपने माल दिया है, किसके साथ आप वर्क कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या एक्सपीरियंस है। तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऑब्वियसली ऑर्डर उसको जाएगा जो लंबे टाइम से वर्क कर रहा है। अब तरीका क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर कैसे मिले, पहला पॉइंट इसका सबसे बेस्ट वे है, आप जाइए और आप ऑर्डर लीजिए। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी स्किल है जो आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में सक्सेस नहीं होने देती, बताऊंगा कैसे। पहले आप समझिए प्रॉब्लम क्या है, आप गए यहां से टर्की, आपने 90% कॉल पर डिस्कशन किया, प्राइस दी, कोटेशन दिया, सब कुछ फाइनल हो गया और बंदे ने कहा चलो आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं। अब आपके पास दो चॉइस है कि भाई आप तो ऑर्डर वहीं से कंफर्म कर दो और इधर आके चेक कर लो, इंडिया में जो भी देखना आपको यही पोर्ट पे मेरे को सारा क्लियर कर दो, आपने 30% एडवांस दिया, 60% या 70% एलसी दिया, आप इधर ही चेक कर लो, इंस्पेक्शन इंडिया के अंदर कर लो। अब बंदा क्या कहता है, नहीं भैया तुम तो नए आदमी हो, मैं कैसे मानूं। तो अब आपको क्या करना है, आप वहां जाओगे ही जाओगे वर्क लेना है, तो अब आप क्या करोगे, अपना सैंपल लेके जाओगे, या तो आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसका प्रोडक्ट का सैंपल लेके जाओगे, या फिर आप सैंपल लेके जाओगे किसी कंपनी से टाइप कर रखा है उसका, या आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल लेके जाओगे, बताओगे मेरा सैंपल ये है, बेनिफिट ये है और आपको ये फायदा हो सकता है इतनी लेस प्राइस में मैं दे रहा हूं, आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे। अनफॉर्चुनेटली कन्विंस नहीं हुआ तो आप घर आके क्या सोचोगे, यार कोई बात नहीं, एक फॉरेन ट्रिप तो मैं करके ही आ गया, कहीं और कभी और कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। या फिर आप अपना मैनेजर भेजोगे, वो भी गया और उसने भी कोशिश की, कन्वर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों क्वेरी बहुत आती है, कन्वर्ट नहीं होती इजी, याद रखना इस बात को। आपने मैनेजर भेजा, मैनेजर आपके पैसे पे गया, वो क्या सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, कंपनी ने प्रोग्रेस करी नहीं करी, मेरी प्रोग्रेस हो गई, एक फॉरेन ट्रिप तो फ्री में करी आए अपन। अल्टीमेट कौन लूजर है, आप लूजर है।
अब प्रॉब्लम क्यों आई आपको, क्यों तो आपको पहले, आपको सबसे पहले आपको वर्क नहीं मिला, एक्सपीरियंस वाले को मिला, आप न्यूकमर हो। पहली बात तो आपके पास ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं है उन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के कि आप एक जेन्युइन एक्सपोर्टर हो, किसी के साथ आपने मिलकर ट्रेनिंग ली है और उन्होंने आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं और वर्ल्ड वाइड कोई ग्रुप आपके साथ काम कर रहा है जैसे हम लोगों को देते हैं, तो क्या आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है? विजिबिलिटी क्यों भाई? ठीक है, किसी नया बंदा चालू किया है, मानो कोई मिस्टेक भी कर देगा, क्या रिलायबिलिटी है? इसको सपोर्ट करने वाला कौन है? तो आदमी पहले से ही ऑर्डर तो उसको दे रहा है जो पुराना उसका कनेक्शन है, आपको नहीं देगा। अब ऊपर मानो 10% उसने आपको देने की सोची भी तो वो क्यों देगा? प्राइस कम है। चलो ठीक है, प्राइस भी कम है यार, लेकिन मेरा पैसा फंस नहीं जाए इसके साथ में, तो वो क्या करेगा? वो ये देखेगा आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो कैसे प्रूफ होगी? आप किसी ग्रुप के साथ, किसी कंपनी के साथ, कैसे ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कंटेनर नहीं निकला, कहीं प्रॉब्लम आई तो आपको सपोर्ट कर सके। दूसरा क्या है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये है आपको ऑर्डर लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको COVID-19 के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। आपको ऐसी कंट्री सर्च करनी होगी अभी जहां प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिमांड जहां ज्यादा हो, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड जहां, ऐसी कंट्री सर्च कीजिए जहां फूड प्रोडक्ट की डिमांड हो, क्योंकि आपको चाहिए मिनिमम 30% मार्जिन। क्यों चाहिए 30%? क्यों चाहिए आपको 30%? आप पिछले 4 महीने से वर्क नहीं कर रहे हो, एक ऑर्डर बैठे हो, न्यू कमर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में है नहीं, सपोर्ट आपके पास में नहीं, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो अच्छा चला जाए। मैं करवाता हूं मेरे कस्टमर्स को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट, क्योंकि हम उनके ट्रेडिंग कंपनीज डलवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, जैसे कि मोरक्को में काफी सारे ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन बने हुए हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, हम उनका वहां डलवाते हैं, काफी डिफरेंट कंट्रीज में डलवाते हैं, बेनिन में डलवाते हैं, घाना में डलवाते हैं, ऐसी जगह डलवाते हैं उनका जहां वो इजीली सस्ता माल खरीद सकें और नियर बाई कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकें, इंटरनेशनली 30% मार्जिन में वर्क कर सकें, ना कि 10-28% में। क्योंकि इंडिया के अंदर 8% 10% 20% पे 15% पे जो मार्जिन पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों, जबरदस्त कंपटीशन है। COVID-19 में वर्क पहले से ही कम है, 3-3 महीने से आप बैठे हो, 10% पे आपने काम किया, आपका ऑफिस का एक्सपेंस, सैलरीज, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर या आपका कुछ भी नहीं है तो पर्सनल एक्सपेंस ही इतना हो जाता है कि आपने एक कंटेनर भेज भी दिया तो क्या बेनिफिट हुआ? फ्री में वर्क करने के लिए थोड़ी बैठे हम लोग। मैं पहले ही बोल रहा हूं, हम उन जैसे नहीं है जो घर बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, हम वो हैं जिनको एम्पायर्स खड़े करने हैं दोस्तों, हम वो हैं जिनको अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। मैंने मेरी लाइफ को प्रूव किया है, मैंने मेरी लाइफ को प्रूव किया है रैपिडली, मैंने स्ट्रगल किया है, मैं वीक में 70 आवर्स वर्क करता हूं दोस्तों, और आपको भी स्ट्रगल करना होगा जिंदगी में, आपको सीखना पड़ेगा, लाइफ इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ विद योर बेटर स्किल्स दोस्तों। तो दोस्तों पहला सॉल्यूशन तो इसका यही है, रियल कनेक्शंस बनाइए। दूसरा सॉल्यूशन यही है, आप COVID-19 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सर्च कीजिए। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दोस्तों कस्टमर लेने का, बिकम अ सेल्समैन। मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, 90% लोग, क्या 99% लोग एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन कोई भी ट्रेनिंग नहीं लेता सेल्स की साथ में। दोस्तों एक्सपोर्ट में आप बेसिक सीख जाएंगे कि क्या ड्यूटी ड्रॉबैक है, कैसे मैं काम करूं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लूं, किस तरह से मैं वर्क करूं, किस कंट्री में प्रोडक्ट सर्च करूं, लेकिन एक कस्टमर को कन्वर्ट करना सबसे बड़ा गेम है। एक न्यूकमर को सक्सेस होना और बीट देनी है ना, उन लोगों को हराना है ना जो आपसे पहले मार्केट में बैठे हैं, उनको नीचे करना है ना आपको, तो आपको अपने आप को एक सेल्समैन बनाना होगा। तो दोस्तों सेल्स के साथ एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट के साथ सेल्स की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड कराता हूं इंडिया के अंदर, केवल हमारी कंपनी ही कराती है, सेल्स एक्सपोर्ट प्लस टोटल कंपनी सेटअप, कैसे कंपनी चलाई जाए, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए, स्टार्टअप टू आईपीओ द अल्टीमेट मास्टर्स, एक्सेलेरेटर 1.0 एक्सेलेरेटर 2.0 दोस्तों, ऐसे अल्टीमेट कोर्स जो आपको 50 करोड़ रुपए की कंपनी के टर्नओवर वाले ओनर को नहीं होगा ना, वो नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं दोस्तों। हम सिखाते हैं, सपोर्ट देते हैं, 1-to-1 ईयर 24/7 सपोर्ट होती है आपको, आपको न्यूज़लेटर्स आते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती है, और इसके साथ साथ ऐसे कोर्स जहां आपको सेल्स भी सिखाई जाती है, एक्सपोर्ट भी सिखाया जाता है और बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, तो आप इजीली सक्सेस हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं आप मेरे से लीजिए, लेकिन बड़ा सिंपल है,
आप कैसे भी सीखिए सेल्स के साथ एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग लेना, एक्सपोर्ट के साथ सेल्स की ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है अगर सक्सेस होना है तो। दोस्तों मैं आपको ऐसा पॉइंट बताया है जो आपको 100% एक्सपोर्ट बिजनेस में सक्सेसफुल कर सकता है। दोस्तों पॉइंट नंबर फाइव, यू आर नॉट वेल ट्रेन्ड इन द बैटल ऑफ बिजनेस। दोस्तों आपको वेल ट्रेन्ड होना है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं जो 90% फेल हो रहे हैं ना वो लोग वेल ट्रेन्ड नहीं है। और आज भी इंडिया के सिस्टम में मैं देख रहा हूं, मैं पिछले 2-3 साल से इंडिया वापस आया हूं और मेरा मोटिव है लोगों को हेल्प करना, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, नियरली 40 कंट्री में मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं ऑनलाइन। एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं हम, सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट और सबसे बड़ा बिजनेस सेटअप कराते हैं। उन लोगों का बिजनेस सेटअप कराते हैं हमारे पास में जिनके पास में पैसे भी कम है लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करना है। कहते हैं सर मेरे पास 20 लाख है लेकिन मैं 2 करोड़ नहीं ला सकता, मैं 2 करोड़ जैसा बिजनेस कैसे करूं, तो हम उनको हमारे प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं। रियल प्रोजेक्ट, रियल बिजनेस। हम एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं 4-5 बिजनेस पार्टनर्स को मिलाकर 20-20 लाख के, हम भी उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों मैं जो देखता हूं उसके अंदर इंडिया की सबसे बड़ी कमी यह है, एजुकेशन सिस्टम आपको आपको अर्न करने का तरीका नहीं बताता। प्रॉब्लम क्या है, आप वेल ट्रेंड क्यों नहीं है? पहली बात तो आपने किसी ना किसी से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं एक्सपोर्ट की, क्योंकि सीधा तो आप जाके चालू नहीं कर देंगे, न्यू कमर है तो। अब क्वेश्चन ये आता, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब जिससे ट्रेनिंग ले रहे हैं उसने क्या एक्सपीरियंस है, उसने क्या खुद एक्सपोर्ट किया है कभी, कितना एक्सपोर्ट किया है उसने? अगर एक्सपोर्ट किया और बहुत अच्छा कमा रहा तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा ट्रेनर है और आप उससे ट्रेनिंग जरूर लीजिए, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। सेकंड पॉइंट, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो आपको बेसिक सिखा रहा, बेसिक से आप एक्सपोर्ट में सक्सेस नहीं हो सकते। याद रखना दोस्तों, बेसिक से एक्सपोर्ट में सक्सेस नहीं हो सकते, एक्सपोर्ट में आपको सपोर्ट चाहिए प्रैक्टिकल की। मैं हमेशा बोलता हूं एक टीचर, एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर कभी शार्प बिजनेसमैन नहीं बन सकते, याद रखना। 90% इस सेक्टर में लोग फेल होते हैं। तो अगर कोई बंदा आपको एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है या उसने अपना करियर एक्सपोर्ट का चूज किया कि मैं ट्रेनर बन जाता हूं, आपको ट्रेनिंग दी लेकिन अगर उसने खुद बिजनेस नहीं किया तो उसको रियल प्रॉब्लम्स का नहीं पता। और प्रॉब्लम्स आती हैं काम करने पर, जब आप वर्क करोगे जब आपको प्रॉब्लम आएगी, आप पूछोगे सर एलसी कहां से लूं, सर जिस बैंक की मैंने एलसी ली ये फ्रॉड तो नहीं है, एलसी करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है आप चेक कर लोगे ऑनलाइन, आप चेक कर लोगे बाहर जेन्युइन है कि नहीं है, आरओसी पर सर्च कर आप उसका। लेकिन जिन कंपनी, जिन कंट्रीज में आरओसी नहीं है, आप उनके अंदर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, चेक नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे? इसी के अंदर पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। आपको क्या पता मोरक्को का एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, या आपको क्या पता अंगोला का या टर्की का बायलैटरल एग्रीमेंट्स क्या है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड में ये एग्रीमेंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक कहां मिल रहा है, ड्यूटी का बेनिफिट कहां मिल रहा है, ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट कहां दे पा रहे हो, टैरिफ किन प्रोडक्ट्स के अंदर कम है, बहुत बड़ी डीप स्टडी चाहिए दोस्तों। तो जब आप बिजनेस करते हो ना, वो लोग आपको सपोर्ट नहीं दे सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं प्रैक्टिकली क्या होता है। अनप्रेडिक्टेबल टाइम में उनमें से कोई भी बंदा आपका कंटेनर छुड़ाने नहीं जाएगा, वो क्या कहेंगे, अपनी फीस लेंगे चल देंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कहेंगे हमने कहा था ना सिस्टम फॉलो करो, चेक क्यों नहीं किया, ये गलती कर दी। आप कहोगे सर मैं आपको और 2 लाख रुपए दे देता हूं, मेरा 50 लाख का माल फंस रहा है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप वेल ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस है एक्सपोर्ट, आप चाहे इंटरस्टेट करो, इंटर कंट्री करो, इंटर कॉन्टिनेंट करो, इंटरनेशनल बिजनेस ही है एक्सपोर्ट। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज की, डिफरेंट बिजनेसेस की, किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, एक अच्छा सेल्समैन बनना पड़ेगा। दोस्तों एक्सपोर्ट बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिमाग में कंफ्यूजन चलता है मैं ये प्रोडक्ट दूं या ये प्रोडक्ट दूं, किसकी प्राइस है किसकी नहीं है। आप एक्सपोर्ट जैसे ही करना चालू करोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके दिमाग में, आएगा यार मैं राइस एक्सपोर्ट कर लूं, फिर आप किसी से पूछोगे यार कर लेता हूं क्या, फिर आपके दिमाग में आएगा यार गोल्ड ग्रेड सही आ रही है सर गोल्ड में कर लूं क्या, फिर आप किसी से पूछो करूं या नहीं करूं, कंफ्यूजन हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। वो आपको क्लियर कौन करके देगा, एक ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, एक इंस्टीट्यूट जो आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर आपकी नॉलेज। तो दोस्तों अपनी स्किल बढ़ाएं, अपने आप को डेवलप करें, ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करें, रियल कनेक्शंस बनाएं, और वो रियल कनेक्शंस ही वर्क करेंगे ना कि रियल कनेक्शंस। सारे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग कीजिए, सारे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करके एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए आपका, रियल कनेक्शंस बनाइए, किसी भी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं तो उसकी
उसकी वैल्यू देखिए कि भाई कंपनी वर्क कर रही है नहीं कर रही, कितनी साल पुरानी कंपनी है, लीगलिटी चेक कीजिए, ग्रीडी मत होइए, लालच में मत आइए। बिजनेस हमेशा वर्ल्ड में कहीं भी करो सही सिस्टम से ही चलता है। एक प्रोडक्ट है तो 10-20% का 30% का मार्जिन, पर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको 200-300% के मार्जिन के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये फेक क्वेरीज होती हैं, लॉस देती हैं। सपोर्ट सिस्टम खड़ा कीजिए दोस्तों, सपोर्ट सिस्टम, आपको सपोर्ट चाहिए प्रोडक्ट सर्च करने में अनप्रोडक्टिव माहौल में। और स्ट्रगल करना है ना दोस्तों, अगर आपको पहला प्रोडक्ट बेचना है ना तो आपको खुद करना होगा, आपको ये बिजनेसमैन बन के नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड बन के करना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आपको पहले अपना खुद का क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा और दोस्तों आपको पहला कस्टमर लेके आना पड़ेगा। जब 1-2-3 कस्टमर आपके रेडी हो गए, आपको रेगुलर इनकम आने लग गई, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों, पर इसमें हमेशा सोच समझ के काम कीजिए, पैसा बनाइए। COVID-19 के रिसेशन 2020 में अगर पैसा बना सकते हो ना, केवल एक्सपोर्ट में। सी यू सून गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।